नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण साहब है। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आप सभी के लिए मंगलमय आरोग्यमय हो, यही प्रभु चरण हम प्रार्थना करते हैं। और आज हम जानते हैं एक छोटा सा टॉपिक कि आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के द्वारा हम हमारे पाइल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। सभी प्रकार के पाइल्स के लिए ऑपरेशन जरूरी नहीं है। अगर आप शुरुआती अवस्था में आते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, अपना निदान करते हैं, तो उससे आपके पाइल्स ठीक हो सकते हैं। इसलिए हमारे अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल मनीष नगर रोड नागपुर, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ किट बनाई हैं जिसको पाइल्स किट के नाम से जाना जाता है। उस किट में तीन प्रकार की दवाइयाँ होती है। एक होता है यह पाउडर जिसको पेट सहा ग्रैन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः जिन मरीजों को, जो भी पाइल्स या फीशर के पेशेंट्स होते हैं, उनको मलबद्धता होती है, ऐसे पेशेंट्स के लिए इसमें जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे कि इसबगोल है, सेना है, हरितकी है, आंवला है, अमलतास है, मुलेठी है, तो ये तमाम सारी औषधियों से पेशेंट का जो कॉन्स्टिपेशन है, मलबद्धता है, हाइपर एसिडिटी है, ये तकलीफ दूर हो जाती है। इसको एक चम्मच रात को कुनकुने पानी के साथ लेना पड़ता है। और इसके अलावा यह पाइलेडॉन नाम की एक कैप्सूल हमने बनाई है। ये हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है। पिछले 12 साल से हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और बहुत सारे मरीज अप टू सेकंड डिग्री के पाइल्स जिन पेशेंट्स को हुए हैं और जिनको ब्लीडिंग नहीं जाता है, ऐसे पेशेंट्स या बाकी फीशर के साथ में जिनको पाइल्स होता है, ऐसे पेशेंट्स, ऐसे मरीज, इन लोगों को भी ये कैप्सूल लेने से, ये दो कैप्सूल सुबह, दो कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लेना पड़ता है। इसके जो मुख्यतः कंटेंट है, ये इसमें हल्दी होती है जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। इसमें अजमोदा होता है जो कि आम पाचक होता है, चित्रकमूल होता है जो कि अग्नि को प्रदीप्त करने का काम होता है, क्योंकि जो बवासीर होता है, इसमें मुख्य कारण जो है वो डाइजेशन से संबंधित होता है। अग्नि का मानदेय होना यह मुख्य कारण होता है और इसी की वजह से पाइल्स की समस्याएँ होती है। तो इसको ठीक करने के लिए चित्रकमूल जैसी दवाई है और सफ़ेद जीरा है, नाग केसर है, जिन लोगों को ब्लीडिंग होता है, ऐसे मरीजों के लिए इसमें हम लोगों ने नाग केसर की मात्रा यूज़ की हुई है। साथ में वेखंड है, काली मिर्च है, हरड़ है और पिपली भी हमने इसमें मिलाया है। तो यह कैप्सूल आप दो सुबह दो शाम को या फिर हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर की टीम से बात कर सकते हैं। महिला अगर है, इस प्रॉब्लम को छुपाना अच्छा नहीं है, लज्जावत अगर आपको डॉक्टर से बात करने के लिए हिचकिचाहट होती है, तो आप महिला डॉक्टर से महिलाएं बात कर सकती है और उनसे विचार विमर्श और सलाह ले सकती है। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। विचार विमर्श और सलाह पूर्णतः निशुल्क है और आप घर बैठे यह मेडिसिन, दवाइयाँ भारत के किसी भी कोने में अगर आप है तो मंगा सकते हैं। इसके साथ ये परवार स्क्रीम है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके जो मुख्य घटक द्रव्य है, इसमें लज्जालू नाम की वनस्पति है जो कि पाइल्स के मस्सों को अंदर नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लज्जालू नाम की एक वनस्पति जो होती है, जिसको माइमोसा प्यूडिका नाम से जाना जाता है। यह वनस्पति की यह विशेषता होती है कि अगर हम इसको हाथ लगाते हैं तो उसके पन्ने अपने आप श्रिंक हो जाते हैं, तो यही प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज़ किया है। इसमें दारू हरिद्रा है जिसको बारबेरिस एरिस्टाटा के नाम से जाना जाता है। नाग केसर इसमें हमने डाला है जिसके लिए ब्लीडिंग के जो पेशेंट्स होते हैं, जो फीशर का ब्लीडिंग है या पाइल्स का ब्लीडिंग है, इसको ठीक करने के लिए भी इसका काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। हरिद्रा इसमें हमने डाला है, ये भी एक एंटीबायोटिक का काम करता है। साथ में घाव को रोकने के लिए, घाव को जल्दी हील करने के लिए इसका फायदा होता है। काशी सादी तेल का इसमें हमने इस्तेमाल किया है जो कि पाइल्स के मस्सों को गलाने के लिए काम में आता है। और अपामार्ग क्षार है, पलाश बीज क्षार है, यह क्षार क्षार एप्लीकेशन के माध्यम से पाइल्स के मस्सों को श्रिंक करने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा इसमें रस सिंधु है, यशद भस्म है, टंकन भस्म है और शुद्ध गंधक का उपयोग हमने किया है जो कि नेचुरली वहाँ पर एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक का काम करता है। और बुधवार में होने वाली ईचिंग अगर है पेशेंट्स को, तो उसमें भी इसका काफ़ी फायदा होता है और नेचुरल एंटीबायोटिक का ये काम करता है। तो ये तीनों जो किट है मैंने आपको अभी बताया है कि ये पेट सहा ग्रैन्यूल्स, पाइलेडॉन कैप्सूल और यह परवार स्क्रीम, ये तीनों का अगर आप इस्तेमाल शुरुआती अवस्था में करते हैं तो निश्चित ही आपको स्वस्थता महसूस होगी और आप ऑपरेशन से बच सकते हैं और किसी भी प्रकार के लेज़र ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको
अपनी शुरुआती अवस्था में डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी है। अपनी बीमारी को ना छुपाए और हेल्दी रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और आने वाले इस साल में आप पाइल्स जैसी बीमारी से छुटकारा पाए। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं डॉक्टर प्रवीण सहावे आपको नए नए विषय के ऊपर जानकारी देने के लिए फिर से आऊँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि यह इन्फॉर्मेशन आपके कोई रिश्तेदार, भाई बहन या फ्रेंड्स इन तक पहुंच सके। तो धन्यवाद और नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।